मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल पिछले 40 वर्ष से मैं अपनी सेवाएं आगरा में एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ दे रहा हूं। पिछले 40 सालों में मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया है और ज़्यादातर मरीजों को बिना ऑपरेशन मैंने ठीक किया है। मेरे पास आने वाले मरीज मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि फिशर में और पाइल्स या बवासीर में क्या अंतर होता है। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूँ कि दोनों ही बीमारियाँ गुदा रोग गुदा मार्ग पर होती हैं, उसके मुंह पर होती हैं, और दोनों ही बीमारियों का जो मुख्य कारण है होने का वो कब्ज होता है। कब्ज क्या होता है? कब्ज के में जो हमारा जो मल होता है वो हमारे शरीर के अंदर छोटी और बड़ी आंतों में सूख जाता है, उसे करने में हमको जोर लगाना पड़ता है, बहुत हार्ड मल आता है और लैट्रिन के ऊपर बैठे बैठे हमें आधा घंटा हो जाता है, एक घंटा हो जाता है, हम जोर लगाते रहते हैं। तो इस तरह जोर लगाने से जो लैट्रिन के जो किनारे पे जो सिराएँ होती हैं वो फूल जाती हैं, और जब ये फूल जाती हैं इनको हम बवासीर के मद से कहने लगते हैं। और फिशर क्या होता है? तो जब ये बहुत हार्ड मल बाहर निकलता है, फोर्स के संग बाहर निकलता है, बॉडी फोर्स के संग बाहर निकालती है तो रास्ते को फाड़ देती है, रास्ता क्रैक हो जाता है, जिस तरह से हमने किसी चाकू से रास्ते को काट दिया हो। चूँकि ये रास्ता कट जाता है, घाव बन जाता है, तो मरीज को पॉटी करने में असहनीय दर्द होता है, और दर्द दो चार मिनट नहीं घंटों होता है, सुबह से लेकर रात तक दर्द होता रहता है, और इतना दर्द होता है कि मरीज को लैट्रिन करने जाने से डर रहने लगता है, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगती है, वो आत्महत्या करने पर अग्रसर हो जाता है। यही डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सूजन आ जाती है लैट्रिन के रास्ते पर उसको हम बवासीर के मद से कहते हैं, और जब रास्ता फट जाता है उसको फिशर कहते हैं। दोनों का मुख्य कारण कब्जियत है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनमें आप देख सकते हैं कि हम कब्जियत को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मेन पॉइंट जो है वो आपको बता देता हूँ, कम से कम 3 से 4 लीटर दिन भर में पानी पिएं, कम से कम 25 से 35 ग्राम फाइबर खाएं, 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज पर हफ्ते करें, अपनी जो हैबिट्स है फ्लश हैबिट्स उनको अच्छा करें, और टेंशन फ्री लाइफ एक बिताएं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में भी कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।